प्यारे बच्चों नमस्कार अभी संख्याओं को अंकों में लिखना सीखेंगे बिल्कुल आसान रहने वाला है तो देखिए सिंपल बात बोलूं तो आप क्या करो इधर से अपना लिखना शुरू करेंगे एक सौ सो, सोलह ठीक है कितना है सोलह देखिए इकाई दाई सैकड़ा सैकड़ा यानी सो एक सौ दो सौ तो यहाँ पे कितना है एक आगे 100 तो ऐसे समझ लीजिए ऐसे डब्बे बना दो ठीक है आपके लिए सही रहेगा ये तीन डब्बे हैं जिनमें दो भर गए और तीसरा इससे भरेगा ठीक है ये इकाई ढाई सैकड़ा यानी सौ दो सौ उसके बाद दो डब्बे आएंगे किसके लिए हजार के लिए हजार दस हज़ार उसके बाद क्या आता है आपका लाख और दस लाख उसके बाद क्या आता है आपका करोड़ और दस करोड़ यानी ये करोड़ का स्थान है ठीक है तो यहाँ पर हजार हजार के आगे कितना है चार चार कितने अंक की संख्या है एक अंक की संख्या को लिखना कहाँ से शुरू करते हैं यहाँ से क्योंकि ये दोनों स्थान किसके लिए हज़ार के लिए, लिए रिजर्व है तो इसमें एक स्थान इस चार से भर गया दूसरा स्थान फिर किससे भरा जाता है जीरो से भरा जाता है ठीक है उसके बाद आपका लाख कितना है आठ लाख आठ कितने अंक की संख्या है एक अंक तो यहाँ से लिख देंगे आगे जीरो उसके बाद किसका स्थान आ जाता है करोड़ का चौदह चौदह कितने अंक की संख्या है दो अंक की तो ऐसे लिखेंगे चार और एक तो क्या बन गया चौदह जीरो आठ ज़ीरो चार एक, एक है तो इस प्रकार से है जो हम अपना संख्याओं को अंकों में लिख सकते हैं ओके आसान है